धन्यवाद पुजारी जी। एक बार पूरे प्रेम से जिस भक्ति भाव से आप इस रामलीला मंचन को देखने आए हैं मेरे साथ, बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की। निश्चित रूप से आवाज में वो दम नहीं जो गोपेश्वर की इस पावन भूमि में कि मैं रहने वाले लोगों में होना चाहिए। एक बार फिर लिंक्डइन, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया पर रहने वाले सारे नौजवानों से, जितनी भी माताएं बहनें यहाँ पर हैं, सबसे फिर से आग्रह है, बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। संयुक्त रामलीला मंच के तत्वाधान में पिछले 2 वर्षों के व्यवधान के बाद आयोजित हो रही रामलीला का आज प्रथम दिन है और बहुत छोटी उम्र से जो रामलीला के इन मंचों से जुड़े हुए लोग हैं वे जानते हैं कि हमारी जो महान विशिष्ट परंपरा है, हमारी जो महान विशिष्ट संस्कृति है, उसमें रामलीला एक बहुत बड़े द्योतक के रूप में जुड़ा हुआ है। आज की पीढ़ियाँ, निश्चित रूप से जो नई पीढ़ियाँ हैं, वो सोशल मीडिया या अन्य उनमें बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती हैं, लेकिन उन्हें अपनी जड़ों से जुड़ना ही होगा, क्योंकि आस्था के द्वारा ही किसी भी व्यक्ति का जो मोक्ष की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति है, वो संभव है। रामलीला का पहला दिन, जिसके विषय में आपको बताने के लिए कहा गया, पहले सीन में उस प्रतिचित्र को आप देखेंगे जिसका कद पिछले 5 या 6 साल के आप विजयादशमी का उत्सव उठा लीजिए, जिसका कद बड़ा होता गया। आपने हमेशा विजयादशमी में सुना होगा इस बार का रावण 100 फुट का है, इस बार का 120 का और 125 का। दुर्भाग्य है कि हमारे समाज में रावण ऊंचा होता गया और जो राम है वो छोटे होते गए, क्योंकि हमने जो प्रतिचित्र होते हैं, जो ऐसे कैरेक्टर होते हैं, जो ऐसे चरित्र होते हैं, जो भले ही खलनायक के रूप में हों, उनको अपना आदर्श मानने की एक गलत परंपरा, चाहे किसी भी मीडियम से आप सोच लीजिए, ये हमारे बच्चों में पड़ चुकी है। रामलीला एक ऐसा मंच है जहाँ से बच्चे ये सब सीखते हैं। रावण को छोटा करने की जरूरत है, रावण को मारने की जरूरत है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का जीवन, वो आज के समय में अगर आज का बालक, क्योंकि वो 12th पास करने के बाद बाहर चला जाता है, बहुत सारी ऐसी संगति में वो पढ़ रहा है जिससे उसका पूरा जीवन जिस पर निर्भर रहता है, तो निश्चित रूप से ये मंच उनके लिए प्रेरणा देता है। आज का पहला दृश्य आप देखेंगे कि लंका का राजा रावण, जिसके विषय में कहा जाता है कि वो बहुत विद्वान था, ब्राह्मण था, कई वेदों का ज्ञाता था, आयुर्वेद में बहुत प्रकांड था, वीणा को बजाने में उसकी महारत थी और उसने अपनी लंका को सोने की बना के रखा हुआ था। विश्वस्त ऋषि का पौत्र कैकसी और विश्वसुरा का पुत्र कुबेर का भाई रावण, पहले सीन में आप देखेंगे कि ब्रह्मा की स्तुति करता है और ब्रह्मा की स्तुति में जब ब्रह्मा उस पर प्रसन्न होते हैं तो रावण, उसका भाई कुंभकर्ण और विभीषण तीनों की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उनसे वर मांगने को कहते हैं। रावण उनसे ऐसी शक्ति मांगता है कि उसका कभी विनाश ही न हो सके, भगवान उसे आशीर्वाद देते हैं। कुंभकर्ण, उसे निद्रा बहुत जारी थी। कुंभकर्ण के विषय में वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप थे वो त्रेता युग में कुंभकर्ण और रावण बने, तो उसकी ये मंशा थी कि 6 माह तक उसे नींद आए, वो 6 महीने तक पूरी तरह से आराम करें और बाकी के काम बाकी 6 महीने में करें। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ये वरदान देते हैं और विभीषण ये वरदान मांगता है कि मेरा जीवन प्रभु की लीलाओं में ही बीते, मुझे मोक्ष अगर मिले तो प्रभु की लीलाओं का गान करते हुए मिले। सभी की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा उन्हें वरदान देते हैं। रावण के विषय में प्रचलित है कि वो शिव का आनंद में भक्त था और रावण उसके बाद शिव का कैलाश उठाने चला जाता है। नारद, जो कि उस समय के स्वघोषित पत्रकार थे, वो उसके दरबार में आते हैं और उसे कहते हैं कि अब तुझे सारी शक्तियाँ प्राप्त हो गई, तू जाके कैलाश को लंका में ले आ। तो रावण जाता है और कैलाश पर्वत हिलाने का असफल प्रयास करता है और वहीं उसे श्राप मिलता है, भगवान शिव का ये श्राप मिलता है कि तेरा विनाश तेरा सहार नर और वानरों के द्वारा होगा। उसके बाद रावण, जो कि ब्रह्मा जी की शक्ति के बाद महा अहंकारी हो गया था, अपने ज्ञान का दुरुपयोग जब जब व्यक्तियों ने समाज में किया है, उनका विनाश होना तय है और रावण जितने भी ऋषि मुनि हैं उन सबको मारने के लिए अपने सेना को कहते हैं और कहते हैं कि हमारे जो कुलगुरु हैं शुक्राचार्य, उनसे आप
सीख लेकर मेरे लिए सभी मुनियों का रक्त लाओ। जब रक्त उनके पास पहुंचता है तो वो उस रक्त को उत्तर दिशा में, यानी कि आज उस समय का मिथिला और आज का बिहार, बिहार का एक जिला है सीतामढ़ी, उस सीतामढ़ी का एक छोटा सा गांव है नौरेना। आज भी उस नौरेना में भगवान जनक की पुत्री सीता और हल के रूप में एक चित्र बंदी के रूप में उत्कीर्णित है, तो वहाँ उसे गाड़ दिया जाता है जो कि बाद में उसके विनाश का कारण होता है। उसके पश्चात जब त्राही त्राही मच जाती है पूरे लोक में, तो इंद्र समेत समस्त देवगण भयभीत हो जाते हैं और वो क्षीर सागर में भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं और उनसे याचना करते हैं कि हमें रावण के आतंक से मुक्ति दिलाएं। आतंक कहीं का भी हो उसका विनाश निश्चित है, हालांकि निश्चित रूप से उसमें कुछ समय लगता है लेकिन उसका विनाश निश्चित ही होता है। तो भगवान विष्णु ये वचन उन्हें देते हैं कि मैं इक्ष्वाकु वंश में दशरथ के पुत्र के रूप में, राम के रूप में जन्म लूँगा और इस दुष्ट का सहार करूँगा। हमारी लीला आज की यहीं तक होगी, कल आप भगवान राम और भगवान सीता के जन्म का उत्सव देखेंगे। आपसे उम्मीद है कि बहुत बड़ी संख्या में आप हमारी संस्कृति से जुड़ने का प्रयास करें। निश्चित रूप से आज की युवा पीढ़ी सोशल मीडिया से जुड़े, लेकिन हमारी जो जड़ें हैं, हमारे जो पैर गहरे तक डूबे हैं वो यही हैं, यहीं से पल के यहीं से बढ़ के हमारी बुजुर्ग बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। तो निश्चित रूप से यदि इसे आप अपने हृदय में स्थान दोगे तो आपका कल्याण शुभ है। इस बार की संयुक्त रामलीला मंच में मैं आपको एक बहुत दिलचस्प चीज़ बताने वाला हूँ। हमारे तमाम वॉलेंटियर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनमें से एक वॉलेंटियर्स जर्मनी का है। जर्मनी यूरोप का एक देश है, वहाँ का एक राज्य है।